हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा क्राफ्ट का कलेक्शन फ्रॉम इट्सी बिट्सी हैदराबाद स्टोर। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिस्ट जेसो से। ये आपको आता है कैमल से। ये 460 रुपीस का है और इसमें 500 ml क्वान्टिटी है। तो जैसो का हम कोई भी कैनवास हो, MDF हो, कार्डबोर्ड हो, कोई भी सरफेस में हम इसको यूज करते हैं। हम इसको एक तरीके से एक टेक्सचर पेस्ट भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपको ये डेकोपज फिलामेंट पेपर्स। तो ये आपको इजी टू यूज है। तो ये नैपकिन से थोड़ी अच्छी क्वालिटीज की होती है, इसमें बबल्स नहीं आते। तो इसमें आपको 169 रुपीस के 2 पेपर्स आते हैं। तो ये कुछ मेरे पास डिजाइन ऑप्शंस है। आपको इंडियन बनाना है, आपको वेस्टर्न्स बनाना है, तो उसके हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेंसिल्स की तरफ, जिसमें आपके आर्टवर्क में फटाफट से बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये आपको पड़ता है 250 रुपीज का 1 पीस। अगर क्वालिटी की बात करें, हम क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो मुझे सबसे पसंद आया ये ब्रिक स्टेंसिल्स। पहले मैंने ये स्टेंसिल्स यूज किया है, उसके बाद मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। तो ये मैंने लिया है कुछ मंडाला डिजाइंस और बर्ली डिजाइंस। मैंने ये सारे स्टेंसिल्स को बहुत बार यूज कर लिया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम डेकोपज नैपकिन्स की तरफ। अगर प्राइस की हम बात करें तो ये मैंने लिया है 100 के 4। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मुझे ये बहुत क्यूट लगा, आउल प्रिंट और रोज़ प्रिंट, तो मैंने ये ले लिया है। ये आपको आता है 100 के 4। डेकोपज नैपकिन मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, जब मैं यूज करूँगी तो आपके साथ रिव्यू में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब बढ़ते हैं हम पेंट ब्रश की तरफ। ये आता है लिटिल बर्ड का। तो ये है राउंड ब्रशेस। तो ये पड़ता है आपको 449 के 12 ब्रश। तो नेक्स्ट है ये हमारे पास ये डाबर और रोलर का कॉम्बो। तो कोई भी सरफेस को हमें इवन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपको आता है 150 का कॉम्बो पैक। अब आता है लिटिल बॉट का ग्लॉस वर्निश। तो ये आपको आता है 250 का 100 ml। ये मैंने 2 लिया है। तो इसमें आपको एक मैट फिनिश आता है और एक ग्लॉस फिनिश आता है। मैंने लिया है ग्लॉस फिनिश। तो अब आता है कलर्स की तरफ। ये है कैमल का फैब्रिक का अक्रेलिक कलर्स। तो ये आपको मिलती है 100 रुपीज की 6 बॉटल्स, जिसमें आपको मिलती है अलग अलग शेड्स। तो ये पर्ल कलर है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा शिमरी शिमरी लुक भी प्रोवाइड होता है। तो आप इसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। अब मैंने लिया है ये फेरी लाइट्स। फेरी लाइट्स आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ये मैंने लिया है 99 का 1 पीस। तो अब मैंने लिया है ये फाइन ब्रश। आने वाली वीडियोस में मैं करने वाली हूँ डेकोपेज आर्ट, तो मुझे इसको उसमें यूज करना है। तो अब मैंने लिया है ये फेविक्रिल का मीडियम, और मीडियम जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और दूसरा वाला पाउडर फॉर्म में होता है। इसको सिंपली मिक्स करके एक मेटालिक कलर बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारा नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स की तरफ। ये मैंने लिया है कुछ नियॉन शेड्स। अगेन मैंने लिया है ये फैब्रिका का कुछ नियॉन शेड्स। बस ब्रांड में डिफरेंस है, अदरवाइज नथिंग एल्स। ये दोनों ही आपको आते हैं 20 रुपीज का 15 ml। इट्सी बिट्सी में आपको कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आप ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आते हैं ग्लास कलर्स की तरफ। ये आता है आपका फेविक्रिल का ग्लास कलर्स, जिसमें आपको 6 शेड में प्रोवाइड होता है। तो जिसमें आपको प्रोवाइड होता है 85 रुपीज का 75 ml। ये ग्लास लाइनर्स को आउटलाइन करने के लिए मैं यूज करती हूँ ये ग्लास लाइनर्स। अभी मेरे पास फिलहाल मेटालिक आउटलाइनर अवेलेबल था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब बढ़ते हैं फेविक्रिल का 3D आउटलाइनर्स की तरफ। तो ये
आता है आपका 25 रुपीज को 20 ml। अगेन आता है ये आपको फेविक्रिल का 3D ग्लिटर आउटलाइनर्स, तो सेम ये भी आपको आता है 25 रुपीज का 20 ml। अब मैंने लिया है मॉड पॉज ग्लू, इसको हम डेकोपेज नैपकिन आर्ट में यूज करते हैं, तो आप इसको मॉड पॉज ग्लू एज वेल एज बर्निश भी यूज कर सकते हैं। आपको 150 रुपीज में 120 ml प्रोवाइड होता है। इसमें आपको दिया गया है कि ये आपको कैसे यूज करना है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब मैंने लिया है ये फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू। ये ग्लू को आपने मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, तो ये 35 रुपीज का आता है आपको 80 ग्राम, तो ये आपको बहुत सारी ज्वेलरी मेकिंग में भी काम आ जाता है, और मिरर स्टिक करना हो, कोई भी चेन, बॉल चेन हो गया, स्टोन चेन हो गया, तो ये उसमें यूज होता है। आता है मोल्डेड क्ले की तरफ, ये फेविक्रिल से आता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने इससे लिप्पन आर्ट बनाया था। इससे ज्वेलरी बना सकते हैं, इससे कोई भी मूरल पेंटिंग्स बना सकते हैं। ये आपको आता है 25 रुपीज का 50 ग्राम, तो बहुत सारे क्राफ्टर्स इसको लिप्पन आर्ट में यूज करते हैं। तो अब आता है कैमल का ग्लिटर कलर्स, ये आपको 35 रुपीज में सेट ऑफ 6 आता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये आपको रेडी टू यूज मिलता है, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने लिया है ये फेविस्टिक। फेविस्टिक आपको 25 रुपीज में मिल जाता है। ये आपको कोई भी हल्की चीज हो, या पेपर स्टिक करने के लिए हो, या पेपर फ्लावर्स बनाने के लिए हो, तो इसमें ये आपको यूज हो जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर हिट करे, सो दैट मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, सो दैट मैं आगे आपके लिए ऐसे ही सारे वीडियोस लेकर आ पाऊं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।